हाँ मॉम। तो बताओ तुम्हारे नए सेमेस्टर का पहला दिन कैसा था? मॉम मेरी नई कारपेंटी क्लास का पहला दिन बहुत अच्छा था और एक ही दिन में मैं लकड़े वाले सर का फेवरेट स्टूडेंट बन गया। वाह एक मिनट, तुम एक टीचर के फेवरेट? विश्वास नहीं हो रहा। नहीं मुझे भी नहीं। और कबीर तुम्हारी एक्स्ट्रा मैथ क्लास कैसी थी? वो एडवांस कैलकुलस वैदिक मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री वाली। हाँ भाई वो तो कैंसिल हो गई, मेरे अलावा कोई आया ही नहीं था। हाँ वो तो मैंने भी सुना, उस क्लास को तो टीचर ने भी बंक कर दिया। वैसे कबीर तुम कोई इजी एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी तुम दोनों को कितना सारा होमवर्क मिलता है। इजी एक्स्ट्रा क्लास जैसे कि कार्पेंट्री। ओए तुझे किसने बोला कि कार्पेंट्री इजी है? हेलो अगर तू ये क्लास ले रहा है तो ये कितना मुश्किल हो सकता है, और वैसे भी ये बकवास सा बॉक्स बनाना भी कितना मुश्किल होगा। हेलो ये सिर्फ एक बकवास सा बॉक्स नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक ड्रॉज भी है, ये देख। बस मुझे तो लगा इसमें लड़कियां नाचती हुई बाहर निकलेगी। और हो गया, हिंदी पीरियड के लिए मेरी पोयम तैयार है, सुनाओ। नहीं मैं मैकमैन खेल रही हूँ। ओके मेरी पोयम एक औरत के संघर्ष के बारे में है। तपती धूप में हौले हौले, ना छाव ना छाते का साया, दर दर घर घर भटक भटक, गई मैं एक कांटे वाली झाड़ में अटक। तुम्हें पसंद आया? मैं गेम जीत गई, अब मैकमैन मेले डांस कर रहा है। चलो तुम्हारी पोयम सुनते हैं। मेरी पोयम ना मेरी प्रिंसेस के बारे में है। मेरा नाम है प्रिंसेस। आगे बस तुमने बस इतना ही लिखा? हेलो सिस्टर रोजी ने एक छोटी पोयम लिखने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें प्रिंसेस के बारे में कुछ नहीं लिखा, जैसे कि वो क्या करती है, कहाँ रहती है, और प्रिंसेस का स्पेलिंग भी रॉन्ग है। अब मैं क्या करूं, कल हमें पोएम सबमिट करना है और पूरे दिन में मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी। वैसे होटल में रहने वाली डॉगी के ऊपर पोएम लिखने का आइडिया काफी अच्छा है। होगा क्यों नहीं, आइडिया मेरा है। इसके ऊपर बच्चों के लिए बहुत अच्छी पोएम बन सकती है। मेरा नाम है प्रिंसेस, घर है मेरा राजमहल, आगे जहाँ रानी आते जाते करती है चहल पहल, और जहाँ प्यारी प्यारी बिनी, हेलो प्यारी प्यारी रानी, और जहाँ प्यारी प्यारी रानी करती है मुझसे प्यार, करण कबीर और मान सिंह सब है मेरे यार। ये तो बहुत क्यूट पोएम है, मुझे भी तुम्हारी तरह पोएम लिखना सीखना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोबारा जन्म लेना होगा। जब आपको स्क्रू को ड्राइव करके लकड़ी के अंदर ले जाना है तो आप स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करेंगे, समझ गए आप? अगर ये क्लास थोड़ी और इजी होती ना तो तुम मेरी आवाज नहीं खराटे सुन रहे होते। मुझे नोट्स लिखने हैं। कभी तुम्हें भी राजेश की तरह नोट्स लिखने चाहिए। क्यों, कार्पेंट्री तो है। तो तुम्हें लगता है कि कार्पेंट्री आसान है, राइट? नहीं वो तो मैं तुम्हें हर तरह की लकड़ी के बारे में जानकारी तो होगी, राइट? तो तुम बालूत शीशम और सागौन के बारे में तो जानते ही होगे, है ना? नहीं लेकिन और चीद भुज और देवदर से तो तुम बचपन से खेलते हो ना? नहीं नहीं जानते तो इनसे जल्दी दोस्ती कर लो छोटे, वरना लकड़ा वाला सर। दीपिका जी। हाँ दीपिका जी बोलिए। वो फोटोकॉपी की मशीन फिर से जाम हो गई। इस बार मैं उस फोटोकॉपी की मशीन को हमेशा के लिए फिक्स कर दूंगा। करण यू टेक केयर ऑफ द क्लास। यस सर। आई विल बी बैक। सबके साथ अपने काम पे लगे रहो, और याद रहे तुम लकड़े पे जितना ध्यान दोगे लकड़ा तुम्हारा उतना ध्यान रखेगा। कबीर तुम ये क्या कर रहे हो? लकड़ी में छेद बना रहा हूँ। अच्छा कार्पेंट्री के कोई भी औजार को यूज करने से पहले तुम्हें उसे ठीक तरह से जानना चाहिए। अच्छा तो ठीक है,
मैं तेरे इस ड्रिलर को यूज करूंगा ही नहीं। मैं इस स्क्रू को इस लकड़ी में बिना इस ड्रिलर के घुसा के दिखाऊंगा। बस इस टूल के नुकीले पार्ट को इस वुड पे रखो और कबीर, ये तूने क्या कर दिया? तूने लकड़ी तोड़ दी? कबीर, तुमने एक अच्छी खासी लकड़ी को तोड़ दिया है। तुम्हें क्या लगता है लकड़ी पेड़ पे उगती है? तुम्हें इसके लिए रिमार्क मिलेगा। कबीर, ये बॉक्स स्ट्रिक्ट है। कल मैंने पेंट उल्टी साइड के लगा दिया, इसने मुझसे उठक बैठक कराया। करण, मुझे आज तक मेरी लाइफ में कभी रिमार्क नहीं मिला। तो ये दिन तेरे लिए बहुत बड़ा होगा ना। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि ये काम मेरे हाथों से हो रहा है। टेन ऑन टेन, टेन ऑन टेन, मुझे मिला है टेन ऑन टेन। जोर से बोलो, टेन ऑन टेन, टेन ऑन टेन, टेन ऑन टेन, ये मनी। रानी, तुम पिछले 5 घंटों से टेन ऑन टेन गा रही हो, कब बंद करोगी? जब तक सब इरिटेट नहीं हो जाएंगे। लोग 4 घंटे 55 मिनट पहले इरिटेट हो गए थे। तुम सिर्फ मुझसे जल रही हो क्योंकि तुम्हें 6 on 10 मिला और मुझे 10 on 10, 10 on 10। मुझे 6 सिर्फ इसीलिए मिला क्योंकि हमारी सिस्टर रोजी ने मेरी कविता में छुपा हुआ दर्द नहीं समझा। तुझे मिला है 6 on 10, मुझे मिला है 10 on 10, 10 on 10। मेरा नाम है प्रिंसेस, घर है मेरा राजमहल, जहाँ रानी आते जाते करती है चहल। पहले तो मैंने लिखा था। नहीं, तुमने सिर्फ कहा था, लिखा मैंने। सिर्फ लिख देने से तुम उसकी लेखक नहीं हो जाती। लेकिन 10 on 10 मिले से हो जाती हूँ। 10 on 10, 10 on 10। सब लोग आइए। रानी, प्लीज। राजमहल के पूरे स्टाफ और मेरी तरफ से हम आपके इस चमत्कार पर आपको बधाई देना चाहते हैं। थैंक यू। मुझे पूरा यकीन है कि आपके पापा इस पर बहुत खुश होंगे और इसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया गिफ्ट भी देंगे। मुझे भी यकीन है। वो गिफ्ट ना 10 से शुरू होता होगा। हो सकता है। जैसे कि तेंदुलकर। हाँ, जरूर। ऐसा करता हूँ कि मैं ये अपने डेस्क पर रख देता हूँ, हाँ, ताकि सब देख सके। 10 on 10। ये रानी, you know, मैं मासिंग जी को बता सकती हूँ कि ये पोएम कहाँ से आई है। लेकिन अगर तुमने मेरी थोड़ी मदद कर दी तो क्या हुआ? मुझे पहली बार 10 मिला है और वो भी तुम मुझसे छीन लोगी। शायद तुम मेरे बारे में जानती नहीं हूँ कि मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूँ। ओके फाइन, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन अगली बार तुम्हें अपनी ईमानदारी से 10 on 10 लाना होगा। नहीं बताओगी ना? नहीं रानी। नहीं बताओगी ना? नहीं रानी। नहीं बताओगी ना? नहीं रानी। पिंकी स्वेर। ये रानी, 10 on 10। हाय बच्चों। मॉम, क्या आपको पता है, करण ने मुझे वुडक्राफ्ट क्लास में माइनस पॉइंट्स दिए क्योंकि वो मेरे परफेक्ट 92.999 एवरेज मार्क्स से जलता है। झूठ, जलता तो वो मुझसे क्योंकि पहली बार स्कूल में मैं उससे अच्छा हूँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। हाय मॉम, आपका दिन कैसा था? बहुत अच्छा था बच्चों। क्या हम आपके पैर दबा सकते हैं? हाँ प्लीज बच्चों, थैंक यू। मॉम, ये बहुत सीरियस बात है। क्या आप जानती हैं, इन पॉइंट्स की वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। काम डाउन कबीर, तुम इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। सीरियसली मैं नहीं ले रहा हूँ मॉम, सीरियसली तो वो सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ले रही है जो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स एकदम परफेक्ट हो। और अगर मुझे वुडक्राफ्ट में फुल मार्क्स नहीं मिले ना तो मेरा भविष्य कुछ ऐसा होगा, दिन में वड़ा पाव बेचना, रात में टैक्सी चलाना। वाह, दिन में वड़ा पाव बेचना, रात को टैक्सी चलाना, महीने का कितना मिलता होगा? देखो, 10 on 10 आने पर मेरे डैडी ने मेरे लिए क्या भेजा? 10 gold pens, हफ्ते के हर एक दिन के लिए एक। मैं बहुत खुश हूँ। रानी, हम भी बहुत खुश हैं। वैसे मुझे विश्वास नहीं होता रानी कि तुमने इतनी अच्छी पोयम लिखी। हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। पता है बेनी, मेरी नेक्स्ट पोयम ना एक ऐसी लड़की के बारे में है जो अपनी फ्रेंड को दिया हुआ पिंकी स्वेट तोड़ देती है और उसके बाद वो
नर्क में जाकर जल जल के गंजी हो जाती है। रानी, रानी, रानी। सिस्टर रोजी। रानी, तुम यहाँ हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खबर है। मेरा बहन जो एक पब्लिशिंग हाउस में काम करता है, तुम्हारा प्रिंसेस वाली पोयम के ऊपर बुक बनाना चाहता है। क्या? और वो कहती है कि रानी की छोटी सी प्रिंसेस ये बुक अगले हफ्ते रिलीज हो जाएगी और लाखों रुपए कमाएगी। ये रानी। इनकी स्वैग की कसम। कहना पड़ेगा मिस्टर जयसवाल, आपका कॉलेज एप्लीकेशन तो लाखों में एक है। आपको एडमिशन देना हमारे कॉलेज के लिए बहुत शर्म की बात होगी। क्या? यहाँ लिखा है कि तुम कारपेंटरी में फेल हुए हो। वो मेरी गलती नहीं थी सर, वो तो मेरे भाई ने मुझे से... तुम कारपेंटरी जैसे आसान क्लास में फेल हो गए। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। इस कॉलेज में सिर्फ विनर्स आते हैं, तुम्हारे जैसे लूजर्स नहीं। लेकिन सर, वो तो मैं पहली बार फेल हुआ था, उसके लिए आप मुझे इस कॉलेज से निकाल देंगे? नहीं नहीं, निकालने की बात कौन कर रहा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट काम है। वो क्या है सर? कबीर उठ, तू सपना देख रहा है। यार बहुत भयानक सपना था। मेरे सपने में वुडक्राफ्ट क्लास का टॉप स्टूडेंट तू था और फेल मैं हो रहा था। सब कुछ उल्टा हो रहा था। अच्छा हो कि वो एक सपना है। वो एक सपना नहीं था, वो हकीकत है। आज हमारे वुडक्राफ्ट एग्जाम की फाइनल्स है। नहीं। हाँ। चल अब स्कूल के रहे, देर हो रही है। ओके अटेंशन एवरीवन, अब ऐसा करते हैं कि हमारी लेखिका को थोड़ी देर के रेस्ट देते हैं और हमारा बुक साइनिंग फिर जारी रहेगा हमारे लाउंज एरिया में, ठीक है? थैंक यू। एक फेमस राइटर होना कितना मुश्किल काम है ना? हाँ जरूर, लगता है इन सबकी वाह-वाह सुनने के बाद तुम्हारी याददाश्त ढीली हो गई है। तुम भूल रही हो कि तुमने ये पोएम मुझसे चुराई है। पता है बेनी, मुझे लग रहा है कि तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। नहीं रानी, मुझे तुमसे जलन नहीं हो रही है, मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम्हें मेरी लिखी हुई पोएम के लिए अवार्ड्स और पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये आइडिया, पोएम, डॉगी होटल सब मेरा है। लेकिन शब्द मेरे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? सिस्टर रोजी, पिनी मुझसे जल रही है क्योंकि मैं अमीर और खूबसूरत होने के साथ साथ एक बेस्ट सेलिंग राइटर भी हूँ। ओह बिनी, 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 तुम अपने दोस्त के लिए खुश क्यों नहीं हो सकता है? सिस्टर बात ऐसी नहीं है। जलन अच्छी बात नहीं है माय चाइल्ड। चोरी भी अच्छी बात नहीं है। यू नो व्हाट सिस्टर, रानी आपको अपनी किताब के बारे में कुछ बताना चाहती है। क्या बात है रानी? वो सिस्टर रोजी, बोलो बोलो रानी। मैं चाहती कि जब मेरी किताब की फिल्म बने ना, तो मेरा रोल करीना कुमार प्ले करे। अरे तो मेरी फेवरेट है। मेरी भी। ओके बच्चों, तो ये कारपेंट्री क्लास का फाइनल प्रोजेक्ट है। कभी टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसका चांस ही नहीं है। ये तू क्या कह रहा है? सच कह रहा हूँ। और याद रहे कि आप लोगों को सिर्फ एक ही घंटा मिलेगा, उससे ज्यादा एक भी सेकंड नहीं। ओके नाउ स्टार्ट। लकड़ा वाला सर। अब क्या हुआ दीपिका जी? वो फोटोकॉपी की मशीन। इस बार तो मैं उस फोटोकॉपी की मशीन को ठीक करके ही रहूंगा। क्लास, नो चीटिंग, नो चीटिंग। आइए दीपिका जी। हे राजेश, अरे क्या कर रहा है? सॉरी।
बेटा थोड़ा ऊपर पकड़ो। ये कब शुरू होगा? मैं जूडो क्लासेस के लिए लेट हो रहा हूँ। बस थोड़ी देर में। हेलो बच्चों, एक बात याद रखना कि किताब पढ़ने से दिमाग बड़ा होता है। मेरा नाम है प्रिंसेस, घर है मेरा राजमहल। मेरी डॉल का नाम भी प्रिंसेस है। एक्सक्यूज मी, जब रानी बोलती है तो दूसरे चुप रहते हैं। जहाँ आते जाते रानी करती है चहल पहल। मुझे पोयम बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी। तो रानी ये बताओ कि तुम्हें ये पोयम लिखने में कितनी मुश्किल हुई? वो एक्सक्यूज मी, जब रानी बात करती तो कोई बीच में नहीं बोलता। हाँ हाँ बिनी, चुप रहो। जहाँ प्यारी प्यारी रानी करती है मुझसे प्यार, करण कबीर और मान सिंह सब है मेरे यार। हेलो, यस कौन? हाँ हाँ, सिस्टर रोजी, आप ठीक तो हैं? हम ठीक है मैम। हमको अभी अभी खबर मिला है कि रानी के पोएम पे फिल्म बनने वाला है। फिल्म में रानी का रोल करीना कुमार को करना चाहिए। हाँ, वो मेरी फेवरेट है। मेरा भी फेवरेट है। बस अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये पोयम मैंने लिखी है। लायर लायर पेंसिल फायर। तुम दोनों क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, रानी की छोटी प्रिंसेस की राइटर कौन है? मैं हूँ। इस पोयम के राइटर पे हमारे कंपनी ने केस कर दिया है। ये है ये पोयम, जिसने भी लिखी है उसने हमारी किताब नानी की छोटी सी राजकुमारी की कॉपी की है। मेरी नानी मुझे बचपन में सुनाया करती थी। मेरा नाम है टॉमी, घर है मेरा राजमहल, जहाँ नानी आते जाते करती है चहल पहल। बिल्कुल सही। पोयम मेरे दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उस दिन अनजाने में मैंने। आहा, इसका मतलब तुम मानती हो कि ये पोयम तुमने लिखी है? मैं पोयम सुना रही थी, लिखी तुमने थी। तुम दोनों से सबसे ज्यादा अमीर कौन है? रानी। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग एकदम पका हुए। चल अपना टाइम अप हो गया। रानी, क्या ये सच है कि ये पोयम तुमने नहीं लिखी? वो वैसे नहीं। रानी, तुमने हम सबका दिल दुखाया है। सॉरी मानसिंह, सॉरी बिनी, सॉरी सिस्टर रोजी। माय बेबी, हमको लगता है ना ये बिनी ने इसको गलत रास्ता दिखाया होगा। क्या? पर मैंने तो सिर्फ कल जब सारा दिन क्लास के बाहर खड़ा रहेगा ना तो बोलेगा कि कैसा बोल सकता है। ये तो टॉर्चर है। नहीं, ये पनिशमेंट है। तुम्हारा पोएट्री टॉर्चर था। कांटे वाले झाड़ में अटक, कांटे वाले झाड़ में अटक। ये तेरा और ये तेरा जो भी है वो हो गया। करण, ये एक बुक शेल्फ होना चाहिए। और वैसा ही दिख रहा है। कबीर, तेरे इस प्रोजेक्ट को देखकर मुझे बहुत जलन हो रही है। गाइस, मुझे पता है कि मैं फेल होने वाला हूँ। कबीर, मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन करण, मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ और मुझे फेल होना भी नहीं है। ये क्या कर रहा है? मैंने कहा था ना कि मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ, तो एक और बार फेल हो जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन करण, तू ऐसा नहीं कर सकता। टाइम्स अप! चलो सबके सब काम बंद। कबीर, ये क्लॉक तो बड़ी कमाल की है। इट्स अमेजिंग। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा काम कर पाओगे। मुझे भी नहीं पता था सर। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे फेवरेट स्टूडेंट ने क्या चमत्कार किया है। ये क्या है? ठेला?
सर। करण, लेकिन इसके लिए तो मैं तुम्हें सिर्फ 40% मार्क्स ही दे पाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी सर। तुमने मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। नहीं, मैं ये सब नहीं होने दे सकता सर। एक्चुअली ये क्लॉक मैंने नहीं, करण ने बनाई थी। क्या? और वो मैंने बनाया था। ठेला? सर एक्चुअली वो एक बुकशेल्फ होना चाहिए। अगर ये एक बुकशेल्फ है तो मैं तुम्हें सिर्फ 10% मार्क्स दूंगा, लेकिन अगर ये ठेला है तो मैं तुम्हें 40% मार्क्स दूंगा। सर ये ठेला ही है, ठेला ही है, ठेला है, देखो ठेला। हाय बॉयज, तुम दोनों का कार्पेंट्री फाइनल एग्जाम कैसा था? मुझे 95% मिले। वाह, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। और मॉम मुझे 40% मिले। I'm so sorry, कबीर। कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हारे लिए आज गुलाब जामुन बनाती हूँ, ओके? पर मॉम, जब भी मुझे 40% आते हैं, तब तो आप गुलाब जामुन नहीं बनाती है। वो इसलिए क्योंकि फिर मुझे रोज गुलाब जामुन बनाने पड़ते। वो तो है। देखो कबीर, मुझे पता है कि तुम्हें बुरा लग रहा है। Actually, मुझे इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। अच्छा? हाँ, मुझे 40% मिला, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। और मॉम, हर बच्चा हर चीज में परफेक्ट थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल सही। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? कि मुझे मिला है एक खूबसूरत वॉल क्लॉक और एक क्यूट सी हाथ गाड़ी। मॉम, ये एक बुकशेल्फ है। वही तो, वो, हाँ वही। Thank you.